आपकी चर्च में सेवा वो नहीं है कि आप टेंट लगाते हो, आप दरियां बिछाते हो, आप यहां पर कैमरे का काम करते हो, आप टेस्टमनी का काम करते हो, आप सुसमाचार में जाते हो या आप खाना बनाते हो, ये आपका काम पहले नहीं है, ये सेवा बाद की है। कहता है पहले तेरा जीवन पवित्र बलिदान करके मुझे चढ़ा, ये तेरी पहली आत्मिक सेवा है। अगर ये सेवा कंप्लीट है तो उसके बाद जो सेवा कर रहे हो उसका ऐसा प्रतिफल आने वाला है, आप सारी जिंदगी याद करके थैंक्स करेंगे उस यहोवा को। आपको क्या लगता है टीम इतना भाग दौड़ कर रही है, मेरे साथ इतनी टीम भाग दौड़ कर रही है, जब ये सेवा करे क्या इनका प्रतिफल नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो परमेश्वर तो झूठा हुआ फिर। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरी बातों पर भरोसा करो, जो कुछ मैं बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं। तो परमेश्वर झूठा नहीं है। तो इसका मतलब मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है। तो आपको सेवा करनी है, इस चर्च के साथ जुड़ के सेवा करनी है। एक तो लोग होते हैं, हां जब किसी चीज की नींव खड़े होनी होती है तब साथ देते हैं। एक लोग होते हैं जब बना बनाया घर होता है, ओ अच्छा इतनी ग्रो कर रही चर्च, इतना आत्मा कम कर रहे हैं, अच्छा आप हम भी चर्च जुड़ते हैं। एक होता है जब चर्च को स्थिर किया जा रहा है, जब पैसे की घटी आ रही है, जब अरेंजमेंट की घटी आ रही है, जब सब चीजों की घटी आ रही है, तब जो खड़ते हैं ना उस चर्च के साथ, जब चर्च की नींव रखी जाती, जो नींव के टाइम खड़ते हैं, प्रभु उन्हें अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं। ये आशीष है बाइबल के अनुसार, जो नींव बनाने में, क्योंकि रते रखने इजी, अब नक्शा बन चुका है चर्च का, नक्शे बनाने वाला टाइम लगता, वो किन्ने कमरे बनाइए, कितना बजट आ, की प्लान करिए, रंग कराइए कि ना, घर कच्चा छड़ दें, कम एक कमरा बनाइए, एक कितने केड़ा डिजाइन करिए, केड़ा कमरा कितने पाइए, बहुत प्लान आ। पता है एक बारी बनता घर, दुनिया ने किया ना एक बारी बनता तो वही मन च फिट है, एक बारी बनता। पर अगर आप ये अंगीकार ना करेंगे, हम आगे से आगे और अच्छा बनाएंगे, ता जो जब हमारे नगर में प्रार्थना सब आए, हम बोले हमारा घर बहुत बड़ा है, रह लो सब जा मेरे घर में आके, संगत जी रह लो, प्रभु की महिमा के लिए जो आप मांगेंगे वो आपको देगा, किसी को दिखाने के लिए, जलाने के लिए नहीं। पर मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के सामने जो भी आप जो सेवा करते हो तो आपको उसके में क्या हो, पवित्र बलिदान, पवित्र जीवन चाहिए। तो उसके बाद जब नींव बनती है तो उसमें साथ देने है। एक निश्चित ही जब वो डाउन हुई, बहुत सारे लोग, जब वो अप हो रही थी बहुत सारे लोग टीम में जुड़े, सेवकाई में जुड़े, बहुत सारे जुड़े। जब वो डाउन होनी शुरू हुई, थोड़ा सा ठंडापन चर्च में आया और कुछ लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उसमें से निकलने शुरू हुए। है जी ये अपा सही है जी, इदा नहीं होना चाहिए, पासन ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपना असली चेहरा बाहर निकाल के निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक टाइम आया परमेश्वर ने उस सेवकाई को फिर से उठाया अद्भुत रीति के साथ। और फिर जब बहुत बढ़ गई, फिर उन्हें पता हम कहाँ के कहीं रह गए, सेवकाई तो बढ़ती जा रही है, कितने लोग जो हमारे बाप बाद में आए थे, नीचे बैठे होते थे, आज कितनी बड़ी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं चर्च में, प्रभु के दास के साथ रहते हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, कितना सेवा का काम मिला है। क्योंकि हम सेवा ढूंढनी होती है, जैसे अन्य जाति में थे ना, सेवा ढूंढते थे, ये मुझे सेवा दे दे, ये मुझे बरताने दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ऐसे हैं कर करके बांटना चाहते थे सेवा करना। तो मसीह में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर होनी चाहिए। जब मसीह में धार्मिकता है तुझी, तेरा जो आत्मिक जीवन है, तो इसीलिए जब आप उस चीज को, जब वो मिस्सी बड़ी बाद में कह रहा हम जी आना चाहते हैं, चलो जी माफ करो, चलो जी सब कुछ भुलाने आप, चलो जी सब कुछ छोड़ दे जी, आप वापस आना जानते हो, अब कहते हैं कोई बाय बाय है, अब कोई एंट्री नहीं है। जो डाउन के टाइम में सेवकाई के साथ खड़ा नहीं रह सकता, उसकी वो बाद में भी योग्य नहीं है, वो स्वार्थी है। तो आपको एक चीज याद रखना है, मिनिस्ट्री में अप डाउन आते हैं, किसी भी चर्च में अप डाउन आते हैं, कभी कभी अटैक भी आते हैं, क्योंकि हर अटैक के बाद ऊंचा होना आता है। आपको बताए, हर अटैक के बाद ऊंचा होना आता है, हर रुकावटों के बाद ऊंचा होना आता है, और लोगों को ये नहीं पता। तो इसीलिए जितनी रुकावटें आएंगी उतना बढ़े। तो आपको ये याद रखना है, समर्पित करना अपने आप को, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, डाउन आए, अप आए, मैं अपने अगुए को, अपनी चर्च को, अपनी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप ऐसा अंगीकार करेंगे
तो उसने तो पहले ही वायदा किया, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आप देंगे पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, जिस तरह उस दास के साथ होगी वो आपके साथ होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में।